नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू परिवार के बारे में। कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की छोटी बहू लालू परिवार के लिए शुभ है। लालू परिवार को पसंद करने वाले, राजद को चाहने वाले तेजस्वी यादव की पत्नी और लालू यादव की छोटी बहू राजश्री को शुभ लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। वह कहते हैं कि जब से राजश्री का लालू परिवार में एंट्री हुआ है, तब से शुभ ही शुभ हो रहा है। जब तेजस्वी यादव का मन बना रहे थे, यानी कि जब तेजस्वी यादव शादी का मन बना रहे थे, उस समय लालू यादव जेल से बाहर आ गए थे। उसके बाद उनकी शादी हुई। फिर हम सभी लोगों ने देखा लालू यादव के तबीयत में किस तरह से सुधार हुआ, और अब तो स्थितियां ऐसी बन गई कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को पसंद करने लगे और तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। लालू परिवार के चाहने वाले राजश्री को भाग्यश्री के रूप में देख रहे हैं, उन्हें लालू परिवार के लिए शुभ मानते हैं। आज अगर लालू परिवार का जिक्र हो रहा है तो उसके पीछे भी राजश्री ही हैं, क्योंकि राजश्री अपने ससुराल यानी कि गोपालगंज जिले में स्थित फुलबरिया जा रही है। तेजस्वी यादव और राजश्री के स्वागत में किस तरह की कोई कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां जोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि लालू यादव जिस मकान में रहते थे, उनका पूरी तरीके से रंग रोगन किया जा रहा है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय जिस रेफरल अस्पताल का निर्माण किया गया था, या फिर फुलबरिया का तोरण द्वार हो, या जहां लालू यादव बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे, उन सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था की देखभाल जिला प्रशासन स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने वहां पर एक हेलीपैड बनवाया था, अब उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से यह भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ गांव में लगे मरछिया देवी की प्रतिमा को भी ठीक किया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब लालू परिवार इस गांव में पहुंचेंगे तो लालू यादव के स्वास्थ्य लाभ को लेकर यहां के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। लालू परिवार के एक सदस्य ने आज तक से बात करते हुए कहा कि चाचा तेजस्वी यादव के साथ चाची राजश्री पहली बार फुलबरिया आ रही हैं। दोनों लोग कुल देवता और दादी मरछिया देवी का आशीर्वाद लेंगे, साथ साथ थावे माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद लेंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 24 सितंबर को तेजस्वी यादव और राजश्री फुलबरिया पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी और SP दोनों गांव का दौरा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री की शादी को 10 महीने हो गए, तब से लेकर अब तक वे अपने गांव नहीं गए हैं। शादी के बाद दोनों एक साथ अपने गांव जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग उनका इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों को तेजस्वी और राजश्री का इंतजार है, जिसकी तैयारियां अब तेज हो गई है, एक तरह से कह लें कि जोरों से चल रही है। तो ये थी लालू परिवार से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।